भीलवाड़ा के एक कस्बे में सौदागर बस्ती की लड़कियों को स्टाम्प पेपर के जरिए खरीदने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर विपक्ष ने जमकर गहलोत सरकार को घेरा। इस मामले को लेकर महिला आयोग ही नहीं बल्कि मानवाधिकार आयोग भी सकते में आ गया। मामले को लेकर जब राजस्थान तक भीलवाड़ा के उस पंडेर कस्बे में पहुंचा तो एक अलग ही हकीकत सामने आई। देखिए हमारे संवाददाता देव अंकुर की रिपोर्ट। शिव प्रकाश जी, ये बताएं कि आपके हिसाब से जो आरोप लगा था कि स्टैम्प पेपर पर लड़कियों को बेचा जा रहा है, उसमें कोई सच्चाई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई लड़कियां ना ही व्यक्ति है, ना ही कोई ऐसा वेश्यावर्ती का धंधा होता है यहाँ पे। यहाँ पे शिक्षा का बहुत भारी जुड़ाव है और शिक्षा के माध्यम से ही ऑटोमेटिक लोगों में सुधार आ चुका है। जैसा कि ये पुराना मामला है, उस टाइम नाचने गाने का कार्य करते थे ये लोग। प्रत्येक परिवार में से जो उनको मिल जाता, एक नाइट में जाते नाचने गाने किसी के डीजे पे प्रोग्राम में या शादियों में, ऐसा काम करते थे। कोई बेचने बेचने का कुछ काम नहीं है यहाँ। हमारा जिलों में यही है शाह। हाँ। तो ये गांव को लेकर कही जा रही थी बात कि यहाँ पर कई मामले सामने आ गए हैं ऐसे जिसमें लड़कियों को बेचा गया। ये गलत है साहब, गपाई ही डोलते। हमारा गांव बहुत शिक्षित है साहब, हमारा खेती करता है, पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चे बच्चिया हमारे। और कोई गलत चलता है जिनकी बेटी बुआर भी बंद कर देते साहब हमारे। हमारे सब कन्यादान को परनाते हैं, उसमें 2-2 लाख खर्च करके ब्राह्मण लिया के परनाते साहब, उस बच्चिया को दान करते हैं हमारे। है न, हमारे कोई गलत नहीं, पर हमारे गाँव की के बदनामी बहुत हो गई हो। असली बदनामी हो गई है, बदनामी हो जी गांव की। तो बाहर लड़का लड़की बहुत है, तब उनको कौन कमरा भेजता है साहब? कुछ नहीं है, सब बकवास है, ऐसे उड़ा रखी है ये कन्यादान। हाँ, कन्यादान। मेरे पापा ने खुद ने मेरी शादी करके, कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी पैसे वैसे नहीं लिए, सब कुछ सब ऐसे। आप कब से रह रही है यहाँ पे? 20 साल से। 20 साल से। जिस तरह की ये बातें कही जा रही थी, नॉर्मल है, नहीं है कुछ नहीं है यहाँ ऐसा रवैया है। आज आ रहा था कि लड़कियों को खरीदा बेचा जाता है यहाँ पे, और पहले की बुजुर्ग आदमी थे सर, वो तो मर गए। अभी का नया मंडल के आदमी सब ये काम, कोई खेती कर रहे, कोई बच्चे को पढ़ा रहे, कोई ट्रैक्टर चला रहे, कोई मजदूरी कर रहे, बस यही कर रहे। लड़कियों को खरीद फरोख्त के मामले सामने आ चुके हैं स्टैम्प पेपर पर, क्या आपको लगता है इसमें भी सच्चाई है? कुछ भी नहीं है सर, सच्चाई नहीं है। ये तो पहले के जमाने में थे ना कोई मजदूर, तो डांस करने जरूर भेजते थे। अब कुछ भी नहीं है, शादी कर रहे हमारे गांव में, अरदान की कर, ट्रैक्टर चला रहे हैं, ट्रैक्टर खेती कर रहे, भैंसी कर रहे, छेड़ा कर रहे और मजदूर करके खा रहे हैं। हाँ, ये कहा जा रहा था कि वेश्यावृत्ति की तरफ जबरन लड़कियों को भेजा जाता था, अगर नहीं जाती थी तो कई बार दुष्कर्म किया जाता था। नहीं, कुछ भी नहीं है, ये झूठी बात है। वो कह रहा ना, ये केस लगाया जिन्होंने झूठी बात की, ये दुश्मनी के कारण। आपको लगता है गलत तरीके से बदनाम करने की? हाँ, यस, इस गांव में कोलाणी में बदनाम करने के लिए। 10 महीने की नौकरी आई इसमें कोलाणी में, 12-5 दिन पहले पीटीआई में। हाँ, तो कौन देता है इसमें? बदनाम होता तो नौकरी नहीं देता इस गांव में। स्टाम्प पेपर पर लड़कियों को यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा था कि पहले बेचा जाता था, ऐसा कुछ सच्चाई है क्या इसमें आपके साथ? भाई हम मालूम नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे गांव में, ऐसा कहीं लेना देना नहीं है हमारे गांव में। किसान आदमी है, खेती करते है, बाड़ी करते है, कोई ट्रैक्टर गाड़ी चलाते है, बेचारा कौवा खोदते है, ऐसा है हमारे गाँव में। और कुछ भी नहीं है, कोई रोड बनाते है, ऐसा कोई भी काम धंधा नहीं है हमारे। लड़कियाँ पढ़ते है, लड़के पढ़ते है। पहले होता था? पहले का मालूम नहीं, हम तो पैदा ही नहीं हुई थी, हमको मालूम नहीं। पहले होता था, बोला था पहले होता था, पर हमको मालूम भी नहीं है। सब बोले भाई पहले जो बुजुर्ग थे वैसा वह करते होंगे, पहले मालूम नहीं हमको तो। लेकिन जब से हमने जन्म लिया, जब से सर ने कोई देखा नहीं, ऐसा सुना कुछ भी नहीं है। और अभी तो जितने बच्चे भी है, पढ़ा रहे, लिखा रहे, कोई तो मजदूरी कर रहा, कोई कैसे नरेगा का काम चलता है वैसे कर रहा, सब ऐसा करे भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। वहीं इस मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली महिला ने भी इस तरह की घटना से इनकार किया है। जब हमारे संवाददाता ने इस महिला से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं तो लड़ाई झगड़े की रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी, मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट में क्या लिखा था। वहीं उस लड़की ने भी इस घटना से साफ इनकार किया है। उसने कहा कि मेरे मम्मी पापा के बीच लड़ाई हो गई थी, इसलिए मम्मी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने कहा कि ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है, पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। अभी पुलिस ने इस मामले में लगातार हम जांच कर रहे हैं, अभी जांच चल भी रही है। जब से प्रकाशित खबर हुई तब से हमने ज़्यादा अलर्टली इसको देखा भी है, पर फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है।
और इस संबंध में और भी यदि कोई चीज़ हमारे पास आती है और यदि इससे संबंधित हमारे को कोई भी एविडेंस वगैरह या कोई व्यक्ति हमारे पास सामने आता है, निश्चित रूप से इस पे जो है प्रकरण दर्ज करके और विधिक कार्यवाही की जाएगी और सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। एक 2022 का एफिडेविट का मामला है जिसमें एक आरोप लगा है कि लड़की के माँ बाप ने उसको प्रताड़ित किया, उसको बेचा, यहाँ तक बात कही गई है। उस केस के बारे में क्या कहना है आपका? वो केस अपने यहाँ रजिस्टर्ड है और उसके संबंध में अनुसंधान भी किया जा चुका है, उसमें बकायदा न्यायालय में बयान भी दिए उस लड़की ने, और अभी वर्तमान में जो है वो लड़की और लड़का दोनों एक ही जाति समाज से होके एक ही जगह के निवासी थे। उन लोगों ने अपने हिसाब से शादी कर ली और यहाँ पे जो दिया उसमें वो उन्होंने डिनाई किया, और इवन दो हमारे सामने नहीं और जो न्यायालय है उसके सामने भी डिनाई किया। ये तो घटना से डिनाई करने की वजह से हम लोग इसमें आगे नहीं बढ़ रहे। एक और मामला है जिसमें लड़की और उसकी माँ सामने आए हैं। कहा ही जा रहा था कि पहले ही आरोप लगाया गया लड़की की माँ के साथ, लड़की की माँ ने आरोप लगाया कि उसका पति जो है वो उसकी बेटी को बेचने की फिराक में था। वो हमारे पास भी बताया गया, हमको भी जानकारी में आया तो हमने उससे बात करी। पुराना, साल भर पुराना मामला है, तो इस महिला ने बिल्कुल स्पष्ट डिनाई किया कि वो थाने में आई नहीं, और पति और पत्नी का विवाद था और उस चूंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने क्या लिखवाया क्या लिखा तो उसको खुद को इस चीज़ के नॉलेज नहीं थी। यदि हमारे यहाँ आती तो निश्चित रूप से हम लोग जो है ये दीदी परिवार रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं, एफआईआर भी मेंटेन करते हैं। यदि वो ऐसी इस सिचुएशन में हमारे पास आती तो निश्चित रूप से हम एफआईआर करते और उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास रहता। तो ऐसा नहीं है, उसने साफ मना भी किया कि वो थाने पर नहीं आई, इसी वजह से नहीं हुई। यदि थाने पर आती तो 100% कार्यवाही होती। एक केस ये भी सामने आया है कि एक लड़की को दूसरी एक महिला ने बेचा किसी एक अन्य व्यक्ति को, विकास नाम के व्यक्ति को जी। और ये भी कहा गया कि इस लड़की जो उसके बदले में किसी और लड़की को खरीदा भी गया जी। और ये भी कहा गया कि उसको जल्दी उसकी ग्रोथ के लिए इंजेक्शन लगाए जाने हैं, इसके लिए पैसा दिया जाए। तो ये भी क्या उसी लोकेलिटी का मामला है, क्या ये पूरा मामला है? ये पूरा मामला हनुमान नगर थाने से शुरू होता है। वहाँ पे हनुमान नगर थाने क्षेत्र में एक कंप्लेन दर्ज होती है, इसमें शबाना उर्फ सुमन नाम की जो लेडी थी उसने एक विकास गुजर नाम के व्यक्ति से शादी करी, और उसके बाद में उसने जो है गैंगरेप और इस प्रकार का जो वेश्यावृत्ति का जो कार्य दबाव से किया जाता है उस संबंध में उसने प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन किया और करीब उसमें 25 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने अपराध में प्रमाणित माना, और उसमें जो अक्यूज्ड, दो तीन अक्यूज्ड की डेथ भी हो गई थी, बाकी 21 अक्यूज उसमें अरेस्ट भी हुए, और उन सारी लड़कियों को रेस्क्यू करके और नारी निकेतन में भी जमा करवाया और उनका लगभग पुनर्वास भी हो चुका है। ये क्या कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें लड़कियों को जल्दी ग्रो करवाने के लिए इंजेक्शन दिए जाए, उनको वेश्यावृत्ति में पुश किया जा रहा हो? वो उस समय चूंकि वो तो हनुमान नगर का मामला था और मैं भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं था, तो ये फैक्ट्स तो उनको पढ़ने से ही मैं बता पाया हूँ, तो उसमें जो नेचुरल जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो ज़्यादा बेटर बता पाया। उसमें ग्रोथ इंजेक्शन देने की बात, ग्रोथ इंजेक्शन वगैरह तो तथ्यात्मक तरीके से लिखी हुई हैं, तो वो कितनी सच्चाई है क्या है वो सारी चीज़ें अपन अभी नहीं क्लियर कर सकते। लोकेलिटी है पंडेर में, और पंडेर से जो जिस प्रकार की बातें सामने आ रही थी स्टाम्प पेपर पर लड़कियों को बेचने की जी, इसके बारे में क्या कहना है? कुछ सत्यता पाई है पुलिस ने इस मामले में? अभी फिलहाल हम लोग इस बारे में जांच कर रहे हैं, अभी फिलहाल ऐसी कोई सत्यता हमने नहीं पाई है, और यदि ऐसे कोई स्टाम्प हैं और किसी ने छुपा के रख रखे हैं ये हैं, तो उनके संबंध में जो है यदि हमारे पास कोई चीज आएगी करेगी तो निश्चित रूप से हम जांच कर रहे हैं इसमें, और अंतरिम रूप से यदि कुछ मिलेगा तो लीगल एक्शन लेंगे इसमें। स्वागत जी, आप एक साल से ज्यादा से यहाँ पे जी अधिकारी हैं जी, अभी तक की आपकी जो पूरी जांच है उसमें क्या पाया है? आपने कुछ इसमें लड़कियों की खरीद फरोख में, उनको वेश्यावृत्ति में पुश करने के बारे में, और जो ये कहा गया कि अगर लड़कियां नहीं बेची जाए तो माँ के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, आपने पढ़ी होगी न्यूज की सत्यता की ही मैं बता रहा हूँ आपको, उसी सत्यता की हम जांच कर रहे हैं। हमने
जैसे अभी आप लोग भी गए हैं, सर्वे अपन कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई अभी इनपुट नहीं प्राप्त हुआ है कि चूंकि वो जो स्टाम्प जो बताया जा रहा है वो भी 2005 का है, तो अभी ऐसा रिसेंट कोई रिसेंट इनपुट उसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो मैंने आपको बता दिया उसका भी कि भाई वो एक शादी करी थी एक कपल ने और वो तो वहाँ के ही हैं और इवन दो वो अभी भी रह रहे हैं, तो वो एक अलग मामला है। माँ से दुष्कर्म वाला वगैरह तो ये ऐसी हमारे को कोई भी परिवादियाँ अभी फिलहाल तो हमारे सामने कोई भी ऐसी परिवादियाँ नहीं आई है और ना ही ऐसा कोई मामला आया। और जहाँ तक पुलिस के जो मुखबिर हैं और जो पुलिस के लोग होते हैं, हम लोगों की वहाँ चौकी भी बनी हुई है, तो हमारे पास ऐसा कोई इनपुट आया नहीं है कि ऐसी कोई घटना हो और इस प्रकार की निर्दयी घटना हमारे क्षेत्र में घटे और हम लोगों को नॉलेज में इतना जल्दी नहीं आ पाए, इस प्रकार का तो फिलहाल मुझे नहीं पाया गया। हालांकि इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कहना है कि केवल भीलवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में लड़कियों की खरीद फरोख्त हो रही है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनाते हैं। तो भीलवाड़ा का है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं सवाई माधोपुर में खुद ये चीज बिना घोड़ा गाड़ी के बिना बताए मैं वहां पे गई हुई थी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं पता था कि मैं वहां हूँ और मैंने अपनी आंखों से एज अ सिविल पर्सन, मैंने सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन की तरह वहाँ वॉक करते हुए ये सब कुछ देखा है। और सेम चीज़ जो वहाँ पे हो रही थी ये यहाँ पर भी सवाई माधोपुर में भी हो रही है। सेम कम्युनिटी के हैं, बच्चियों को चोरी करके अपनी बच्चियाँ दिखाई जा रही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस घर की बच्चियाँ हों, आठ आठ दस दस बच्चियाँ एक एक घर में। और गलत आधार कार्ड, स्कूल के पेपर गलत, ये इन्वेस्टिगेशन और डीएनए कर अगर आप टेस्ट करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये उस घर की बच्चियां नहीं है। लेकिन ये किसी को तो करना पड़ेगा पूरी तरह। अगर एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही, पुलिस का थाना सामने होते हुए कुछ नहीं किया, मेरे कहने के बावजूद अब सर्वे सो कॉल्ड हुआ है, वो सर्वे भी सिर्फ आँख में पट्टी डाल के करने वाला होगा, मुझे नहीं लगता उससे भी निकलेगा। एक प्रॉपर एसआईटी बिठानी पड़ेगी और उस और वो भी किसी आईपीएस के अंडर, अदरवाइज ये सब फिर से बंद हो जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा इसमें से। एसआईटी भीलवाड़ा वाले मामले में या दूसरी, दोनों, दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये इंटरकनेक्टेड है और ये कम्युनिटी पूरे राजस्थान में है। मोस्टली हाईवेज पे ये काम हो रहा है और ये एक जगह से न्यूज आई है, भीलवाड़ा हो या सवाई माधोपुर हो, सब जगह ये एक ही काम हो रहा है। आपने डीजीपी सीएस इनसे भी मुलाकात आज करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तक कहूंगी। सीएस चली गई हैं, वो उनका मेरे ख्याल से बिजी हैं क्योंकि ऑनरेबल पीएम आ रहे हैं वहां पर हैं, और डीजी कहीं पे उद्घाटन कुछ कर रहे हैं। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग, ही इज मोर इंटरेस्टेड इन वाइंडिंग अप हिज वर्क, क्योंकि चार दिन में जाने वाले हैं तो चार दिन तक स्टेट कौन संभाल रहा है पता नहीं। आपको लगता है कि एसआईटी, क्या बात कर रहे हैं, तो एसआईटी राजस्थान सरकार के स्तर पर गठित हो इस मामले या केंद्र से भी? केंद्र से होगी तभी निकलेगा ये, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ निकालने की अगर जेन्युइनली कहेंगे या कोशिश करेंगे तो कुछ निकलेगा, नहीं तो नहीं। फिर अगर आंख में धूल डालनी है तो वो अलग बात है। आपने भीलवाड़ा कलेक्टर या और जिला प्रशासन के अधिकारी से भी बात? कलेक्टर से भी बात की एंड ही वाज आल्सो, वो बहुत कोऑपरेटिव थे, उनका कहना था हाँ ये हो रहा है जो आप कह रही हैं ये सब कुछ ठीक है। उनके पास भी कुछ पेपर्स थे जिसमें वो दिखा रहे थे कि एक एक परिवार में कितनी कितनी लड़कियां हैं और ये आधार कार्ड गलत बने हुए हैं, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन ही नहीं है आपस में। मुझे लगता है एसपी सुनते ही नहीं है और वो अपनी मन मर्जी करते हैं। हाल ही में डीजीपी ने प्रेस नोट जारी करा था जिसमें इस दो लड़कियां थी उनको बताया कि वो अजमेर में नारी निकेतन में रह रही है और साल 2019 का मामला है, 25 मुजरिमों को सजा भी करवाई थी, चालानी पेश कर दिया था। ये सिर्फ दो लड़कियों की या चार लड़कियों की बात नहीं है, मेरे ख्याल से रिपोर्टर ने एक कहानी लिखी है। आप अगर बाहर निकले और आपको दसियों कहानियां मिल जाएंगी, भरतपुर में ये हो रहा है, ये यहाँ सवाई माधोपुर में मैं खुद देख के आ रही हूँ और मुझे जहां तक पता चला है ये कम्युनिटी जहां जहां पे है राजस्थान में सभी जगह ये हो रहा है। फिलहाल इस घटना से लोगों और पुलिस ने इनकार किया है, हालांकि सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।